स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आप देख रहे हैं शर्मा जी के लड़के यानी आलोक को। आज दिन रविवार, फैसला लिया है कहीं घूम के आने का। आज चाणक्य हमारे साथ नहीं जा रहा, आज हमारे साथ उपलब्ध है रोहन। तो रोहन को लेके निकलते हैं आज। और शनिवार का दिन पूरा इन्वेस्ट करा अपना ये सेटअप क्रिएट करने में, इसे भी ऐड कर दिया है इसी में। एडिटिंग अब से इस पर करी जाएगी। एक जीना के बर्थडे का व्लॉग काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वामसी ने फिर से धोखा दे दिया है। मैंने कहा था वामसी से चल लें, बट वामसी एज यूजुअल धोखेबाज आदमी, इसने दे दिया धोखा फिर से। इसकी वजह से चानी भी नहीं जा रहा है। तो पहले थे वामसी वॉज अ बैड बॉय, नाउ चानी इज ऑल्सो अ बैड बॉय। चानी की बुराई करूँगा, ये बैठा चानी, मैं सोशल मीडिया पर पब्लिकली बेइज्जती करूँगा, बट जिम्मेदारी है तेरी, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई गेट योर पार्ट मैन। वो अपनी बंदिशों में फंसा हुआ है बेचारा, और ये रही बंदिश, ये है बंदिश वाला आदमी। कुकिंग करनी है इसे, खाना बनाना है। क्या बना रहा है? फिश। राम 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 राम, मैं वेजिटेरियन आदमी। चलते हैं रोहन को उठा के। बढ़िया खिला हुआ दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट शस्त्र ये और ड्रोन, ये रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रोन तो रख लिया है, हाथ बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बैग, चप्पल, ड्रोन, गिम्बल, चलते हैं। धूप अच्छी खासी हो रखी है, तो पहले गाड़ी गर्म होने पे लगा दी है। हमारे साथ आज जा रहे हैं रोहन बाबा, और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में बढ़िया तैयार है। डिग्गी में रखोगे, कहाँ रखोगे? और इतना भला आदमी हूँ मैं कि मैंने आज एंड्रॉयड ऑटो लगाने का मौका रोहन को दिया है कि आज यही जीपीएस लगाएंगे, यही गाने लगाएंगे। नहीं सुनाऊंगा पंजाबी गाने आज। यहाँ रहते हैं हम और ट्रैवल करके पहुँचे हैं यहाँ कहीं, और यहाँ दिक्कत है पार्किंग की। ये गोल चक्कर एग्जिट है, लोग घुमा के यहीं पर रुके हुए हैं, ढूंढते कहीं लगाते सड़क पे गाड़ी। 60 किलोमीटर का सफ़र ब्रिस्बेन से तय करके पहुँचे हैं हम इस शहर से, कहते हैं माउंट टैम्बोरिन। यहाँ एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल के पास तो पार्किंग मिली नहीं, ऊपर पीछे कहीं गाड़ी लगा के आए हैं। अब टहलते हुए जाएंगे जहाँ पार्किंग थी, वहाँ से आगे और वॉक है। कितनी वॉक है, एनी आइडिया? तो आगे एक और वॉक है, फिर पहुँचेंगे किसी सुंदर से नज़ारे पे। चलते हैं इस रास्ते पे। किलोमीटर रिटर्न है, कुछ भी नहीं है। तो ये है क्या? हाँ, आई बिलीव सो। ओके, मैं फिर पानी के पास आ गया हूँ मैं। दिस इज द सड़क की फर्स्ट लुकआउट ट्रैक। आई गेस वी गो फ्रॉम हियर वन, गो टू लुकआउट एंड देन गो टू नंबर टू, दैट इज द सड़क की फॉल्स। ये क्या रॉक पूल्स हैं? हाँ। तो पहला लुकआउट क्या है? लुकआउट पर सॉल्व है, ये लुकआउट का पॉइंट है। ओके okay. चलो चलते हैं, 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। नज़ारे कुछ इस प्रकार के, इसे कहते हैं सिडार फॉल्स, नीचे रॉक फॉल्स है, उसके आगे भी कुछ होगा मेरे ख्याल से। अभी ये व्यू पॉइंट पहुँचे हैं, सोचा ड्रोन उड़ा के देखूँ, बट हवा बहुत तेज है, करते हैं कुछ। ये तो सहस्त्र धारा बना हुआ है देहरादून का,
जनता उमड़ी पड़ी है, जन सैलाब, वन पीपल, क्या क्या लिखा हुआ है, उसके आगे भी थे और पूल। एक तो ऑस्ट्रेलियन में हिम्मत इतनी होती है, वहाँ ऊपर से कूद रहे हैं पानी में, शाबाश। डुबकी सिर्फ हमने मारी, रोहन भाई ने धोखा दे दिया। काफ़ी सारे लोग ऐसी अवस्था में बैठे हैं यहाँ पे, ड्रोन शॉट्स नहीं ले सकते, आपत्तिजनक हो जाएगा लोगों के लिए। हाँ अच्छा, उस तरफ चल रहे हैं, सॉरी भूल गया, रिकॉर्ड करते करते भूल गया। रोहन बाबा ने बोला उस तरफ जाने का, तो जाने का आगे देखना चाहूंगा मैं क्या है। ओ आगे और पूल्स हैं, पानी में कूदा हुआ था मैं। रोहन ने वीडियो बनाई है जो ये रही। रोहन बाबा लोगों को जगा देते हुए, कहाँ रह गए? पानी से निकलने के बाद फैसला लिया, एक ये स्नेल कह रहा हूँ, स्काईवॉक टाइप का कुछ है यहाँ जाने का, बट इंटरनेट पर टाइमिंग 4 बजे तक की दिखा रहा है, तो अंदर जाके पूछना पड़ेगा, जाके पूछते हैं। Okay. Through the turnstile, okay. To the sky wall, okay. All sign posted green, at the creek red. All right, sweet. All right, perfect. 45 minutes is plenty of time at relation, so just have to be up by 5. All right. तुम आए हुए यहाँ पे? क्या सही है? और ये शानदार सी जंगल में एक सैर, इसे स्काईवॉक कहते हैं, ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ और बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, संतोषजनक आवाज़ चिड़ियाओं के चहचहाने की, अलग अलग जानवरों की। 45 मिनट की ये वॉक है टू एंड फ्रो, मैं थोड़े शॉट्स लेते हुए जाऊंगा तो मेरे को शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट मज़ेदार। अगर आप ब्रिस्बेन में हैं और ये जगह ब्रिस्बेन से है अराउंड 1.5 घंटा, 45 मिनट्स टू 1 आवर ड्राइव पे, हाँ अब तुम्हारी तो मैकेनिक बहुत अच्छी थी, कैंटिलीवर था तो तुम्हें सबसे पहले समझ आना चाहिए था कि ये कैंटिलीवर बीम है, मेरी तो बैकलॉग थी मैकेनिक्स में।
तीन साल लगे थे मैकेनिकल क्लियर करने में। भगवान जी ने क्या कहते थे यार, वो बीम लगाओ कितना कितना वेट डिवाइड होगा उस पे, ये वो भाई, वो ही तो भाई जिसे फन आ गया उसे फन आ गया हैं। बढ़िया व्लॉग ले रिकॉर्ड करा तो उसमें हो गई थी, बोलना शुरू कर दिया। कैसे बीप करता फिर उसे, अब हमें आने में लेट हो गया, नहीं तो ये बहुत ही बढ़िया जगह बनी हुई थी बैठ के कॉफ़ी चाय पीने के लिए। पूछते हैं पी सकते हैं, मेरे ख्याल से सब बंद हो चुका है मैटर। एक तो रज्जो क्या बढ़िया चमकती है यार, रुक जाता हूँ। घर हो चुकी है वापसी, बढ़िया चांद निकला हुआ है आज तो। रोहन के पास S23 अल्ट्रा दिलवाया था मैंने अभी, टेल ढूंढी थी मैंने, तो कोशिश करते हैं ये मून शॉट लेने की। You could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one.